हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मुस्लिम नेता ने दीपावली की पूजा पाठ की, शायद ही आप यकीन करें लेकिन यह पूरा मामला है मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सतीश मनचंदा द्वारा आयोजित प्रदेश कांग्रेस सेवा दल कार्यालय का, पर पुष्प चढ़ाया पर महिला मिठाई सेवा दल अध्यक्ष द्वारा आरती की, यहां पर पूजा पाठ और दीपावली का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन हम आपको कांग्रेस दिखाएंगे वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई जी, हुसैन दलवाई पहुंचे आपकी बात करवाएंगे, समय अपने हाथों से ये होने क्यों आवश्यकता पड़ी। जहां हमारे देश में एक तरफ कुछ जातिवादी शक्तियां देश में आपसी भाईचारा खत्म करने का काम कर रही है, आपस में लोगों को जात पात के नाम पर लड़वाने का काम कर रही है, वहीं पर इस तरह एक मुस्लिम पूजा पाठ करता नजर आता है। यह क्या मामला है और ऐसा हुसैन दलवाई ने क्यों किया और ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए हम समय हुसैन दलवाई से, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, हुसैन दलवाई से जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें पूजा पाठ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक तो दीपावली त्यौहार ऐसा है कि वो हमारे भारतीय संस्कृति का एक भाग है, उसमें खाली मजहब की बात नहीं है। दीपावली के वक्त, लक्ष्मी पूजन के वक्त सारे अकाउंट्स बदलते हैं। वो हिंदू होने दो, मुसलमान होते, सारे लोग अपने अकाउंट्स बदलते हैं, नए अकाउंट्स करते हैं, व्यापारी लोग वो पूजा करते हैं। तो भारतीय संस्कृति ये सारे लोगों की संस्कृति है, ये खाली हिंदुओं की संस्कृति नहीं है बल्कि सबकी संस्कृति है। और इस्लाम में भी ये कहा गया है, हमारे रसूल जो थे, हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब थे, वो मस्जिद में जब क्रिश्चियन और जू लोग उनके साथ बहस करने जाते थे तो उनको कहते थे आपको प्रार्थना करनी है तो यहीं करिए। ये इस्लाम की भी ये एक तरह से शिक्षा है हम लोगों को। तो ये इस तरह की बात करना, ये हमारा नहीं उसका है। सारे समाज के लोगों ने, सारे मजहब के लोगों ने एक दूसरे मजहब का आदर करना चाहिए, उससे ही ये भारतीय संस्कृति बनती है और उससे ही देश इकट्ठा रहेगा। ये आपने की मजहब की बात, दूसरी तरफ जो देश की जातिवादी ताकतें हैं वो ये आपका जो पैगाम देखकर, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बार बार हिंदू मुस्लिम ये वो के नाम पर से देश को तोड़ने का काम करते हैं? वो जानबूझ के करते हैं, और ये देश तोड़ने के लिए इस तरह से लोगों में दरार पैदा करने का काम करते हैं, लोगों में द्वेष निर्माण करने का काम करते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। ये देश गांधी जी का देश है, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। ये देश नेहरू जी का है, ये देश मौलाना आजाद खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का देश है, ये पटेल साहब का देश है, ये इन लोगों ने ये देश बनाया। और ये सारी तहजीब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान में सबको समानता दी गई है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये जानबूझ के एक तरह से संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसमें हम जाने के बजाय लोग कैसे इकट्ठा होंगे और ये देश और मजबूत कैसा बनेगा और गरीबों को राहत कैसा देगा, ये देखना बहुत जरूरी है। और ये दीपावली के मौसम ये त्योहार के वक्त ये संदेश हम लोगों को देना बहुत जरूरी है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप काम कर रहे हैं, ऐसे समय में दीपावली का पावन पर्व है, आपने आरती की, लोगों को पैगाम दिया, नहीं बहुत बहुत बढ़िया। ये है देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से ये दीपावली हमारे लिए बहुत अच्छी दीपावली है। राहुल जी का बहुत बड़ा ये बड़ी यात्रा चली है, हर दिन और चलते हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर, और इस देश के सारे लोगों को, गरीब लोगों को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या तकलीफ है वो जान लेते हैं, और एक तरह से सारा देश इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए उनकी जो यात्रा चली है वो यात्रा ही इस देश को बचाएगी। और ये दीपावली के वक्त
हम यही कहेंगे कि आगे तोड़ने वालों को बाजू रखिए, जोड़ने वालों को साथ में रखिए।